आप सभी को पता है कि आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की थी, तो आइए हम जानते हैं पेरेंट्स के विचार की स्कूल के प्रति और बच्चों के प्रति कि क्या स्कूल ही जवाबदार है हर बच्चे के लिए या पेरेंट्स भी हैं। चलिए देखते हैं। वेदांश ठीक है, पढ़ने में प्रॉपर तैयारी भी अच्छी चल रही है। आप सब लोगों की मेहनत बहुत अच्छी है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और स्कूल काफी अच्छा है, सभी स्टाफ बहुत अच्छा है, प्राचार्य महोदय और आप सब लोगों का सहयोग बहुत अच्छा है और स्कूल की तरक्की के लिए हमारी शुभकामनाएं। और साथ साथ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर केवल टीचर्स हैं तो टीचर्स 3 या 4 घंटे का समय दे पाते हैं, बाकी समय पेरेंट्स के साथ बच्चा होता है, तो पेरेंट्स को ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। उसकी भी होती है थोड़ी बहुत जिम्मेदारी, तो पेरेंट्स को भी पढ़ाना चाहिए, घर ध्यान रखना चाहिए पढ़ाई का, थोड़ा बहुत ध्यान नहीं देते कि टीचर्स ही करेंगे, लेकिन पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए। देखो बच्चे स्कूल में आते हैं, आप बच्चों की फीस पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारी जिम्मेदारी टीचरों की रहेगी। टीचर जो वर्क देते हैं बच्चों को, वो वर्क बच्चे घर पे आके कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स की है कि चेक करेगा पर डे कि जो वर्क टीचर ने दिया है वो वर्क बच्चे प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं। और वर्क करने के बाद में ऐसा नहीं कि वर्क करके रख लिया, उसको पूरा लर्न भी कर रहे हैं कि नहीं, ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। और सभी पेरेंट्स अगर अपने अपने बच्चों पे ये ध्यान देंगे तो बच्चा बहुत अच्छा करेगा, स्कूल में अपना नाम रोशन करेगा। दोनों की जिम्मेदारी पेरेंट्स की रहती है और टीचर्स की, दोनों की रहती है। तो पढ़ने वाले बच्चों को घर पे पढ़ा सकते हैं, पेरेंट्स और स्कूल तरफ से तो जवाबदारी पूरी स्कूल तरफ से मिल रही है, थोड़ा पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, इसकी जवाबदारी तो हमारी भी है, पर वो छुट्टी बन रही है पर इस विषय में बिल्कुल ध्यान देंगे बिल्कुल। उनको मालूम बड़ा वीक हो रही है हमको भी, इसलिए तो विशेष आई हूँ, मैं काम छोड़कर आई हूँ आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों के लिए, अपना कुछ काम छोड़कर आए इसके लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि थोड़ा वीक है, इसलिए मैं आज जाकर खुद ही बात करूँगी, क्योंकि ये फाइनल परीक्षा है इसलिए। जिम्मेदारी तो लोगों की बनती है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है उतनी जितनी टीचर्स की जिम्मेदारी है। वो देखो स्कूल का तो इतना वो नहीं है, पर घर पे भी जो बच्चों के माता पिता जो रहते हैं उनको ध्यान देना ही चाहिए। वो ठीक है कि बच्चे कर रहे हैं, स्कूल वाले करवा रहे हैं, पर अगर अपन जब माता पिता ध्यान नहीं देंगे ना तो आगे की प्रोग्रेस में थोड़ी कमी तो आएगी आएगी। अब बच्चे भी अगर करते हैं माता पिता के उसमें आगे आके, तो उनके लिए भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। जीवीएस एकेडमी स्कूल बहुत बढ़िया स्कूल है, बच्चों पे स्कूल वाले ध्यान देते ही हैं, लेकिन अपने को भी थोड़ा सा पालक लोग को, माता पिता एंड दादा दादी को भी ध्यान देना चाहिए, स्कूल बच्चे छुट्टी ना मारे जाएगा एंड होमवर्क अपने को ध्यान देना करके आए, मोबाइल में थोड़ा ध्यान ना दें, अपन थोड़े से बच्चे भी ध्यान ज़्यादा दें। ना सर ऐसा कोई होती है, सभी स्कूल की थोड़ी होती है सर, वो तो हम भी समझ सकते हैं होती है सर, जब तक हम भी ध्यान नहीं देंगे तब तक बच्चा किसे पढ़ेगा। जी सर, स्कूल की थोड़ी सब होता है कि सब स्कूल की सर करेंगे, और ये लोग हमको भी तो थोड़ा हमारा फर्ज होता है, हमको भी तो पहुँचाना है स्कूल टाइम से, सब कुछ करना है, होमवर्क वगैरह देखना है, ब्रेक खोल के बच्चों का चेक करना है कि क्या है, सब कुछ करना पड़ता है। तीनों की जिम्मेदारी पेरेंट्स की, बच्चों की और टीचर की, तीनों की जिम्मेदारी। हम हमारा काम कर रहे हैं, उनको जो चाहिए हम दे रहे हैं, बाकी पढ़ना बच्चों का काम है, पढ़ाना टीचर का काम है, वो चाहे मतलब अच्छा कुछ करें। जैसा कि आपने देखा कि हर पालक ने बताया कि सिर्फ स्कूल जवाबदार नहीं होता पढ़ाई के लिए, पालकों को भी स्कूल का सहयोग करना रहता है। यदि इस पालक सहयोग करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली अपनी मंजिल को पा लेता है। तो आपने देखा कि पालकों ने ऐसा बताया कि इस स्कूल के अलावा पालकों को भी बच्चों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू।